पबई के पॉलिटेक्निक कॉलेज के दूसरे चरण के विकास कार्यों का विधायक प्रहलाद लोधी ने लोकार्पण किया। इसमें लाइब्रेरी, कॉन्फ्रेंस हॉल, सेमिनार हॉल, ड्राइंग हॉल, लैब, क्लासरूम, ट्यूटोरियल, फैकल्टी रूम आदि को लेकर पहले चरण और दूसरे तल का निर्माण भी किया गया है। इस दौरान विधायक लोधी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि यदि जनता उन्हें दोबारा मौका देती है तो छात्र छात्राओं के आवागमन के लिए निःशुल्क वाहन के साथ प्रचार क्वार्टर, अतिथि कक्ष, 100 बेड का बॉयज हॉस्पिटल और 50 बिस्तर का गर्ल्स हॉस्टल भी बनाया जाएगा। हमारी बिल्डिंग का तो बहुत पहले भी लोकार्पण हो गया था, अब इसमें कुछ रूमों की कमी थी, जैसे कि लाइब्रेरी नहीं थी हमारे कॉलेज में, कॉन्फ्रेंस हॉल नहीं था, सेमिनार हॉल नहीं था, डैग हॉल नहीं था, लैब नहीं थे, क्लासरूम की भी कमी थी, ट्यूटोरियल, फैकल्टी रूम ऐसे के लेके 1,3,77,00,000 के जो भी इनके नए निर्माण हुए हैं जिनका लोकार्पण हुआ है। भविष्य में भी क्या कि हमारे पवई के लिए एक मील का पत्थर पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की बिल्डिंग साबित